मर्जर की तो बात कभी थी ही नहीं, मर्जर की बात कहाँ से आ रही है या कहाँ से पूछ रहे हैं, हम लोग नहीं जानते इसको। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा कि जेडीयू और आरजेडी का कोई विलय नहीं होगा, दोनों पार्टियां अलग अलग है, दोनों पार्टियों का अपना अलग अस्तित्व है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई है। देखिए बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, सबका मौजूद है बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी के आवास के ठीक बाहर, जहाँ पर अंदर अब से कुछ देर पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक जो है वो खत्म हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे थे और अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे नीतीश कुमार सहित तमाम जितने नेता हैं वो मौजूद थे। वो तमाम फोटोज आप देख रहे होंगे, तमाम वीडियोज आप देख रहे होंगे, नीतीश कुमार खुद पहुंचे थे। ऐसे में नीतीश कुमार ने ये साफ कह दिया है इस जेडीयू विधायक दल की बैठक में कि आरजेडी और जेडीयू की जो विलय की चर्चा है, जो बातें हैं बाहर में चर्चाएं हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि सीरियस नीतीश कुमार ने एक तरह से कह सके इन बातों को खारिज कर दिया है, पूर्ण विराम लगा दिया है, आरजेडी और जेडीयू का विलय नहीं होने जा रहा है। हमने जेडीयू के नेताओं से मंत्रियों से बातचीत की है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में जेडीयू विधायक दल की बैठक जो है समाप्त हुई है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं। बैठक हुई, क्या कुछ बातें हुई सर, क्योंकि आगे 2425 का मिशन भी है आपका। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हम लोगों ने बिहार में काम किया है उसको लोगों तक पहुँचाना है, और चूँकि लोग भूल जाते हैं तो उनको याद कराना है, और लोगों के बीच में आप सब जा कर के इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत है, और देश में व्यापक, देश के व्यापक हित में जितने भी भाजपा से इतर जो दल हैं उन सब दलों को एक साथ लाने के लिए, महागठबंधन बनाने के लिए, और 2024 का जो लक्ष्य है भाजपा मुक्त भारत बनाने का, उसमें हम लोगों को आगे बढ़ चढ़ के काम करने की आवश्यकता है। लेकिन सर एक चर्चा और थी सियासी गलियारों में कि आरजेडी और जेडीयू का मर्जर हो जाएगा, क्या इस बात पर बात नहीं? ये तो हम लोग भी अखबार में कहीं कहीं देखते हैं कि कभी भाजपा के नेता ये बात बोलते हैं, कभी दूसरे पार्टी के नेता बोलते हैं। आरजेडी के नेता किसी तो नहीं कहा, जेडीयू के नेता ने तो किसी ने नहीं कहा, सीपीआई सीपीएम माले के नेताओं ने तो कभी बयान नहीं दिया, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह की बात जो अखबार में, एयर में जो बात है, हवा में जो बातें हैं, उसमें कोई दम नहीं है। और अभी महागठबंधन को पूरी तरह से चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए और व्यापक बनाने के लिए देश स्तर पर, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम करेंगे। मतलब जेडीयू और आरजेडी के मर्जर की कोई बात नहीं है? नहीं, मर्जर की तो बात कभी थी ही नहीं, मर्जर की बात कहाँ से आ रही है या कहाँ से पूछ रहे हैं, हम लोग नहीं जानते इसको। हम लोग ये जानते हैं कि पूरे देश में जो राजनीतिक दल है भाजपा से इतर, उन सबको एक करना है और महागठबंधन बना करके 2024 में भाजपा से देश को मुक्त करना। कोऑर्डिनेशन भी रखना होगा ना सर, 7 दलों का गठबंधन बनाया बिहार में। महागठबंधन तो है, कोऑर्डिनेशन तो हो ही रहा है। अब विधायक विधानमंडल की दल के देखे आपने बैठक हुआ है, और हमारे दल के सभी बड़े नेता मिल बैठ कर के इन चीज़ों को चलाते रहते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, और भी इसको व्यापक करने की आवश्यकता है, और भी व्यापक करने की आवश्यकता है। ऐसे में तमाम जितने जेडीयू के नेता हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि कोई ऐसी विलय की बात नहीं है और व्यापक असर होगा आने वाले समय में महागठबंधन का। तो हमारे साथ जेडीयू के विधायक रिंकू सिंह मौजूद हैं। रिंकू जी, क्या बात हुई जेडीयू और आरजेडी के विलय को लेकर, क्या साफ कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा कि जेडीयू और आरजेडी का कोई विलय नहीं होगा, दोनों पार्टियां अलग अलग है, दोनों पार्टियों का अपना अलग अस्तित्व है। और चूंकि हमारी जनता दल यू एक अलग पार्टी है, बिहार के विकास के बारे में सोचती है, और हम लोग किसी पार्टी से कमजोर नहीं है, ना ही हम लोग कोई वैसे, मतलब जो चर्चा चल रही थी मार्केट में विलय पर, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया ना? बिल्कुल पूर्ण विराम है, हमारा कोई विलय नहीं होगा, कभी नहीं, आगे आने वाले समय बिल्कुल आगे भी विलय नहीं होगा। हमारा एक अपना अलग अस्तित्व है, हमारी पार्टी की एक अलग पहचान है, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश विकास परिषद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन लगता है कि महागठबंधन कारगर है, क्योंकि अभी हाल ही में जो कुटनी में हार हुई तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं नहीं, हार देखिए, कहीं भी जीत हार का बहुत अलग अलग बात होता है। वहाँ पर हार हुई हमारी तो आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं, जो बीजेपी की सेकेंड पार्टी है है, उसको 3000 वोट आए और हम लोग 3000 से ही हारे, तो कहीं ना कहीं इस हार को उतना, ये हार उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये हार ऐसा नहीं है कि इस हार से हम लोग के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन लड़ना है, बिल्कुल लड़ना, क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल साथ लड़ेंगे। महागठबंधन मतलब एकजुट रहेगा आने वाले दिनों में? अरे भाई, हम कह रहे हैं बिल्कुल एकजुट रहेगा, और हम लोग का चट्टानी एकता हमेशा बरकरार रहेगा, और हमारा सातों दल एक साथ मिलकर, और हम लोग 2024 में बीजेपी को धूल चटा देंगे। कोऑर्डिनेशन रखनी होगी ना, एक सवाल ये भी है। देखिए, बात हुई है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल हमारा अच्छा है, जहाँ अब एक बात बताइए, साथ खड़ा जहाँ पे रहता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, अभी नए नए हमारी गठबंधन हुई है, 7 पार्टियों की गठबंधन हुई है, तो थोड़ा बहुत विचारधाराएं अलग होती हैं,
लेकिन वैसा भी नहीं है कि बिल्कुल वैसा अलग है कि हम लोग एक साथ नहीं हैं और हम एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। जहां मान लीजिए जैसे ऊपर स्तर पर हमारी पार्टी मिल गई, नीचे स्तर पर थोड़ा बहुत जो कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है, तो वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, दिशा निर्देश दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त मौजूद है, विजय चौधरी जो कि बिहार के मंत्री हैं उनके आवास के ठीक बाहर, देखिए विधायकों और मंत्रियों के आने का सिलसिला जो है कब से चल रहा था, लेकिन अब जब बैठक खत्म हो गई है उसके बाद रिंकू सिंह जो कि जेडीयू के विधायक हैं उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि हाँ विलय बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे तमाम, जब बैठक हुई उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे। ऐसे में नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया, विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, कल वाद विवाद भी होना है, ऐसे में तमाम जितने विधायक हैं वो मजबूती के साथ सदन में मौजूद रहें, अपनी पार्टी को अपने गठबंधन को मजबूत रखें, ये बात भी कह दी गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।